पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि अपने फेसबुक अकाउंट को उन्होंने प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया है, और जब से प्रोफेशनल मोड में उन्होंने कन्वर्ट किया है उनके फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो मैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने प्रोफेशनल मोड के फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, क्या आपने गलती किया हुआ है जिससे आपके फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। जी हाँ, आप जब तक फॉलोअर्स में, जब तक आपने प्रोफेशनल मोड में अपने अकाउंट को नहीं कन्वर्ट किया था, तब तक आपके फ्रेंड्स भी फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो जा रहे थे। बट जैसे ही आपके 5,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए, उसके बाद से आपके फॉलोअर्स भी नहीं ऐड हो रहे हैं और ना ही आपके फ्रेंड्स जो है फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो आज मैं कुछ जो तरीका बताऊंगा, उस तरीकों को आपको फॉलो करना है। 110% आप भी अपने फेसबुक पर 5,000 फ्रेंड्स या 5,000 फॉलोअर्स को ऐड करने के बाद भी आप यहाँ पर फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी फेसबुक के प्रोफेशनल मोड के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं और आप परेशान हैं, यहाँ पर जब से अपने प्रोफाइल को आपने कन्वर्ट किया है प्रोफेशनल मोड में, तब से आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ, सेटिंग को आपको फॉलो करना है। 110% आप भी अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं आप फ्रेंड, मेरे यहाँ पर 5,300 फॉलोअर्स हैं और आपके हो सकते हैं केवल 5,000 हों और 5,000 के बाद आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उस तरीकों को आपको फॉलो करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो जो अकाउंट आपने प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट किया है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सेटिंग वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग वाले बटन क्लिक करते हैं तो देखिए टूल्स एंड रिसोर्सेज का ऑप्शन है, इस पर आपको देखना है प्राइवेसी चेकअप का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और प्राइवेसी के चेकअप पर हु कैन सी व्हाट यू शेयर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपको प्रोफाइल की सेटिंग होगी कि आप जो भी शेयर करेंगे वो किन के पास पहुँचेगा या कौन से लोग हैं जो आपके प्रोफाइल, जो भी आप रील्स डालेंगे या कोई पोस्ट डालेंगे, कौन कौन से लोग देखेंगे, वो सेटिंग यहाँ पर छुपी होती है। तो हम प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर देते हैं, बस कुछ सेटिंग्स होती हैं उनको मिस कर जाते हैं। उसके लिए यहाँ पर करना क्या होगा, कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा और आपको चेक करना होगा। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर होगा, तो इसको ओनली मी आप करना चाहते हैं कर दीजिए, अगर आपने फॉलोअर्स दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी होगा और यहाँ पर आपका बर्थ वगैरह होगा। और देखिए फिर यहाँ पर नीचे तरफ स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर जो आपकी जर्नी होगी यहाँ पर दिखेगी। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आप देखिए हु कैन सी पीपल्स पेज एंड लिस्ट योर फॉलो, यहाँ पर पब्लिक पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, जो दूसरी वाली सेटिंग होगी उसमें लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट ऑडियंस, और इसके अंदर अगर आपका क्लिक है फ्रेंड्स पर तो इसको क्लिक कर दीजिए आप पब्लिक पर। डिफ़ॉल्ट ऑडियंस, योर डिफ़ॉल्ट ऑडियंस इज सी द पब्लिक, तो इसको पब्लिक पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप पब्लिक पे नहीं क्लिक करेंगे तो जो भी आप रील्स डालेंगे, जो भी पोस्ट डालेंगे, वो लोगों के पास नहीं पहुंचेंगे और आपके फॉलोअर्स गेन नहीं होंगे। और साथ में अगर आप कोई भी स्टोरी डालते हैं और स्टोरी वाले ऑप्शन को आपने क्लिक किया हो ओनली फ्रेंड्स पर या कस्टम किया हुआ है, तो भी आपको क्या कर देना फ्रेंड्स, क्लिक करके इसको पब्लिक पर क्लिक कर देना है और लिमिटेड पोस्ट को हटा देना फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस सेटिंग को नहीं करते हैं तो आपको जो है फ्रेंड्स, आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे प्रोफेशनल मोड कन्वर्ट करने के बाद भी। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं, रिव्यू अनदर टॉपिक पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये जो आपका सेटिंग था प्राइवेसी चेकअप सेटिंग, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे ऐसी सेटिंग के बारे में कि जिससे हमारे फॉलोअर्स गेन हो जाए। तो हम यहाँ अपने प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। प्रोफाइल पर जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, देखिए आप पोस्ट में हमारे जाइए और फिर मोर में जाइए, फिर रील्स में जाइए, तो आपको देखने मिलेगा जो भी मैं रील्स डालता हूँ मैं ओरिजिनल कंटेंट डालता हूँ। और यही चीज़ आपको भी करना है, आपको दूसरे के किसी की फ़ोटो, किसी की वीडियोज आपको कॉपी नहीं करना है और ना ही कॉपी करके अपलोड करना है। अगर आप कॉपी अपलोड करते हैं तो आपके फॉलोअर्स गेन नहीं होंगे, क्योंकि फेसबुक इन सब चीज़ों को पकड़ लेता है और आपके फॉलोअर्स को गेन भी नहीं करवाता है। तो आप भी अगर आप जेन्युइन कंटेंट्स अपलोड करते हैं HD क्वालिटी में, तो आपके यहाँ पर फॉलोअर्स बढ़ेंगे फ्रेंड्स। और साथ में आपके फॉलोअर्स बढ़ने के बाद अगर आप अपने फॉलोअर्स को बढ़ाएंगे और साथ अपने रील्स को वायरल करेंगे, तो आपको अपने मोनेटाइजेशन फीचर्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एड्स ऑन रील्स और बोनसेस का ऑप्शन, जिससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फेसबुक की सेटिंग्स और फेसबुक का जो ये रूल है कि आप अपने वीडियोज रील्स को जो भी अपलोड करें जेन्युइन तरीके से अपलोड करें और डेली पोस्ट करें, तभी आपके फॉलोअर्स गेन होंगे। नहीं तो आप कुछ भी सेटिंग कर लीजिए प्रोफेशनल मोड करने के बाद, आपके फॉलोअर्स गेन नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको प्रॉब्लम भी समझ में आ गई होगी कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है जिससे आपके फॉलोअर्स गेन नहीं हो रहे हैं प्रोफेशनल मोड में। तो इतना ही था फ्रेंड्स वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।